Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the second part of the video on circuit analysis. So, हम continue करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था. तो मान लीजिए अभी fixed problem हो रहा है. मान लीजिए आपको एक circuit दिया गया है. जो वैल्यू ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, ये 10 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है. प्लीज रिमेंबर दीज आर इन द सेम डायरेक्शन. ईसीएमएफ और ये दो जो दो ईएमएफ से बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. इनका है ये भी 10 वोल्ट है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है और ये 2 ओम का है. इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रेजिस्टर्स और ईएमएफ को अरेंज करने की कोशिश करेंगे. रेजिस्टर्स एंड ईएमएफ को अरेंज करने की कोशिश फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बस दैट्स ऑल. ओके अब देखो यहां से ये है आपका प्रॉब्लम, ये है आपका सर्किट. इसमें करंट निकालना है, करंट निकालना है दो दो. तो करेंगे कैसे इसको, एक काम करो ये 2 ओम और ये 2 ओम किस कनेक्शन में सीरीज में है, ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में सीरीज में है. तो अब हम क्या करेंगे इसको, मैं रिड्रॉ कर देता हूं इसको, ये मैं यहां पे कर देता हूं. 2 प्लस 2 कितना था, ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो मैं इसको 20 वोल्ट देता हूं. ठीक है. अब ये है जैसे ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है. अगर मैं चाहूं, अगर क्योंकि वी कैन इंटरचेंजेस नॉट ए प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अब घबराना मत. इस 2 ओम को मैं यहाँ लेके आता हूँ और 10 वोल्ट को यहाँ लेके चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये हो गया आपका 2. ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट ऑल द रेजिस्टर्स दे आर ऑल द ईएमएफ दे आर अलोंग द सेम वन साइड, सो दैट ऑल द ईएमएफ आर अलोंग द वन साइड. ठीक है, इसलिए कर रहे हैं. ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो दिक्कत की बात नहीं. और एक बात बाकी, ये 2 और ये 2 सीरीज में है, ये 2 और ये 2 फिर से क्या है सीरीज में है. तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बात करते हैं, हो गया ये 2 ओम और ये 10 वोल्ट में है. मैं इसको इनको कर लेता हूं, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये तो जो सब एक ही साइड में आ गया और बाकी रेजिस्टेंस को उस तरफ छोड़ दिया. तो हमने इस क्वेश्चन में ईएमएफ और रेजिस्टेंस को रीअरेंज किया है. अब आपको समझ में आ रहा है, आप एक चीज देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 0 वोल्ट, ये 0 है तो ये 20, ये 20 है तो ये 20, राइट? यस. और ये 0 है तो ये 0, ठीक? ये 0 है तो
ये याद याद सुनना, ये जीरो है तो ये टेन होना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए टेन, ये जीरो है तो इस पॉइंट में टेन होना चाहिए, ये जीरो है तो इस पॉइंट में टेन, राइट। ठीक है, अब ये अननोन है, इसको x मान लो, ठीक है, x तो वही यूज करेंगे, i1 plus i2 plus i3 plus i4 is equal to कितना होगा, मान लो इस नोड पे करंट i1 आ रहा है, इस नोड पे करंट i2 आ रहा है, इस नोड पे करंट i3 आ रहा है, इस नोड पे करंट i2 आ रहा है, ठीक है, ये करेंगे, अब तो ये आसान हो गया, I1 plus I2 plus I3 plus I4 is equal to 0, आप घबराना मत, ऐसे करके जाना, आप ये सोचना कि यार ये करंट आएगा तो जाएगा, वो फाइनल आंसर में सब डिसाइड हो जाएगा साइन के हिसाब से। I1, I1 के लिए कैसे लिखोगे, I1 कहाँ है, I1 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 ये है 10 minus x by 4, 10 minus x by 4 plus I2, I2 कहाँ है, ये वाला 10 minus x by 2, 10 minus x by प्लस i3 कहा है 10 माइनस x बाई 2, ये भी 10 माइनस x बाई 2, i4 कहा है 20 माइनस x बाई 2, 20 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0, एंड देन आपको क्या सॉल्व, आपको क्या मिलना है, x का वैल्यू आ गया तो सब करंट का वैल्यू आ गया। देखिए इतना सिंपल सा, अगर आप किरचॉफ रूल लगाते, केवीएल लगाते, इक्वेशन बनाते, सॉल्व करते, देन आपका आंसर आता, इससे ऊपर ये करते, पर याद रखिए बार बार बोल रहा हूँ ये बोल के ना करना, ये एंट्रेंस के लिए, मेरा पेट में क्या प्लान कर रहा है, और चलिए और एक और मिनट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट करो नंबर 6 में कॉलम को करने के लिए, मतलब कर नहीं रहा है, नहीं रहा है, क्या करें, और एक प्रॉब्लम इसमें ऐसा करके है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ऐसा करके ये है 2 ये 6 वोल्ट, ये है 1 ओम, the 2 ohm, the 1 ohm, the 1 ohm, ये है point A और ये है point B, मतलब actually इस question में आपको क्या बोला है, पता है आपको बोला है कि potential difference between the two points निकालो, potential difference between A and B को आपको निकालना पड़ेगा, और इस strategy का मुझे 2 ohm strategy, ये हो गया, अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर से वही रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करना है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू ढूंढना है आपको, तो करेंगे कैसे इसको, पहले तो एक बात देखो 2 ओम और 1 ओम ये कौन सा कनेक्शन है, ये तो सीरीज में है, उसको अब इकट्ठा कर लेंगे फिर से इस साइड का 2 ओम और 2 ओम किस कनेक्शन में, सीरीज में उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है, और बाकी तो आसान है, करने की कोशिश करते हैं, अब ये हो रहा है, चलिए सुनिए 2 ओम और 1 ओम किस सीरीज में है ना, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं,
ये 3 ओम हो गया, ये 2 ओम और 2 ओम किस कनेक्शन में है, सीरीज में 4 ओम हो गया। मतलब और सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 मान लीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। अब इसको x मान लीजिए, ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 0 हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें करंट मान लीजिए i1 है, इसमें करंट मान लीजिए i2, इसमें करंट मान लीजिए i3। तो इस पर का रूल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। I1 कितना है, x 6 माइनस x बाई 3 प्लस I2, I2 कितना है, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, याद रखो। तो हम इसको क्या करते हैं, जीरो आई है, जीरो डिस्काइन नहीं है, ऐसा करके होता है ना, यहाँ पे एरर किया है, जीरो माइनस एक्स बाई टू प्लस आई थ्री, आई थ्री क्या है, फोर माइनस एक्स बाई फोर इक्वल टू जीरो, इतना आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा आपके पास 36/30, कुछ ऐसा ही वैल्यू आएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमको करना है इसको, अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में, और उसमें क्या था, वी ए माइनस बी ढूंढना था। तो अब याद रखिए, इफ यू गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर इज पोटेंशियल ड्रॉप, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ना, पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, और करंट के विरुद्ध में जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे, तो पोटेंशियल गेन होता है। तो हमको क्वेश्चन बोला कि वी ए माइनस बी भी निकालो, है ना, तो ये टू जो था मैं अभी रिको कर रहा हूँ, क्या क्या है ये हमारा क्वेश्चन का ऐसा पूछ। तो ये देखिए, बी बी यहां से शुरू, बी बी करंट के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, माइनस फोर आई थ्री, राइट, फोर आई थ्री। इसके बाद में ये ऑपोजिट में जा रहा है तो पोटेंशियल गेन हो जाएगा, प्लस वन आई टू ऊपर हो गया तो आई टू लिख सकते, क्या है, बी ए माइनस बी इक्वल क्या है, जीरो लिख सकते, कितना हो गया आपको, बी ए माइनस बी बी बनना, बी ए माइनस बी बी कितना हो गया, फोर सॉरी माइनस फोर आई थ्री प्लस आई टू, बी ए माइनस बी बी कितना हो गया, माइनस फोर आई थ्री और आई टू, आई थ्री का वैल्यू कितना है, आई थ्री का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस फोर इंटू आई थ्री, आई थ्री कहाँ आई थ्री, आई थ्री है 4 माइनस एक्स बाई फोर, और I2 क्या है, I2 है 4 आई जीरो माइनस एक्स बाई फोर, एक्स का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, इसको वैल्यू इसका वैल्यू भी पुट कर दो माइनस फोर, और फोर फोर कैंसिल आउट, राइट, फोर फोर कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 4 माइनस 36 बाई 30 माइनस हाफ इंटू 36/30 - 18 - 18/30 - 18 कितना हो गया, बी बी
कौन सा चलेगा? माइनस फोर आई थ्री है प्लस आई वन दिए तो वी बी माइनस फोर आई थ्री कर दिया तो ये माइनस वी बी बन गया तो वी बन आई थ्री का रूट कर दिया तो माइनस एक्स आंसर फाइनली कितना आ गया तो पीछे डिवाइड कितने का टू कितना है माइनस थ्री टू राइट। नेक्स्ट ऐसा करके बहुत सारा कोशिश कर सकते हैं, हम इतना डिफिकल्ट कोशिश नहीं करेंगे, बट आई जस्ट टू यू सम इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि दीज आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स एंड लेट मी टेल यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद इन दिस एनालिसिस। इसमें कोई सीरीज और पैरेलल की बात ही नहीं होता, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन, ये रेजिस्टर है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर डाल दिया है, यहाँ पे बैटरी है, इस बैटरी में 10 वोल्ट कैपेसिटी डाल दी है, तो 5 वोल्ट आपको क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना ये है कि इसमें करंट ऑल ब्रांचेस में करंट कितना है, इतना ही ढूंढना है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल भी है, इसमें एक वजह है, बाद में आपको पता चलता है इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 10 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 0 है, ये यहाँ पे रजिस्टर, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -5 होगा, बिकॉज ऐसा कर -5 भी कितना देगा, 0 -5 कितना देगा 0, ये देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, 0 -5 कितना देगा आपको प्लस 5 ये देगा, इसलिए उस तरफ में नेगेटिव से जो मैंने -5 किया। नेक्स्ट अच्छा आप देखिए अब हम क्या करेंगे, ये x मान लीजिए, अगर ये x है तो ये x होना चाहिए, है ना, ये सी बात है, फिर आप करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज देखिए, इसमें इस ब्रांच पे कोई रेजिस्टर नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टर अक्रॉस दिस ब्रांच, सो लेट अस ट्राई टू गिव द करंट। इसमें करंट मान लीजिए आई वन, इसमें करंट मान लीजिए I2, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है ना, तो इसमें करंट इस तरह में नहीं देंगे। अगर हम कैसे देते, ऐसे देते ना, बिकॉज वहां पे रेजिस्टर होता तो तब देते, अभी तो नहीं है, देयर इज नो सच थिंग, सो वी कैन नॉट बी बीट लाइक दिस,
इसमें I1 आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, कितना जाएगा? I1 प्लस I2 जाएगा, है ना? ये है I3, आप यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे I1 कितना हो गया तो I1 कहाँ है तो 10 minus x by 10 plus I2 कितना है minus 5 minus x by 20 plus I3 कहाँ है तो 10 minus x by 5 plus I4 I2 कितना 0 minus x by 10 जैक्सन कितने तो 0 अब सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, बात खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, तो x सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, व्हाट अबाउट द करंट इन दिस ब्रांच? थोड़ा सोचिएगा, इसमें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस x, यहाँ पे x है, तो x माइनस x कितना देगा आपको? I0 कितना है, डेल्टा कितना यार, है ना? यहाँ पे रजिस्टर है क्या? रजिस्टर भी नहीं है क्या आपको? अगर आप I1 का वैल्यू ढूंढते हैं, I2 का वैल्यू ढूंढते हैं, तो I1 प्लस I2 का वैल्यू नॉन जीरो होगा, वो जीरो थोड़ी होगा, तो जीरो नहीं हो सकता। पर यहाँ पे जब क्या x और x क्या है सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक चीज आप समझना, जीरो बाई जीरो को हम हमेशा क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड होते हैं, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, वो अनडिफाइंड है, समझ में नहीं आता वो है क्या, अनडिफाइंड है वो। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है, वो सही है। डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आप डेल्टा भी कितना है जीरो है, याद रखो x माइनस x कितना है जीरो है, वो तो तय है, वो जीरो है। आई मान लीजिए आई वन का सिर्फ कुछ वैल्यू है ना, या फिर हम सॉल्व करेंगे हमको कुछ मिलेगा, आई वन का वैल्यू कुछ मिलेगा, आई टू का वैल्यू कुछ मिलेगा, तो आई वन का कुछ वैल्यू होगा, और आर तो कितना है जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा फिर से जीरो हो जाएगा। आई आई को मान लीजिए आई का वैल्यू मान लीजिए 100, जीरो इंटू 100 कितना मिलेगा, मिलेगा आपको जीरो। आई को 1, आई को 5 बाई 10 मान लीजिए कितना मिलेगा आपको, जीरो। हमेशा क्या मिलने वाला, जीरो। इसको मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो करंट जीरो होता है, जरूरी नहीं है, और इसलिए हमको ये प्रॉब्लम है। आई एम प्लस आई टू मिलेगा, पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें जीरो। आई होप ये बात अच्छी है। मान लीजिए और एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं इसी लाइन पर। नंबर एक, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है, देखिएगा, ये लगभग गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम है। ऐसा ये 20 वॉट, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ठीक है? हमको वही वही करना है कि करंट इन ऑल द ब्रांचेस मिल जाए। सी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है, मालूम नहीं हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, सेम होगा। ये 20 है तो ये हो गया, ये 0 मान लीजिए, ये 20 मान लीजिए, ये 20 मान लीजिए, ये 0 मान लीजिए, ये 0 मान लीजिए, देखिए 0 और 0 सेम पोटेंशियल पे है। अब मान लीजिए इसको भी ये कितना हो जाएगा, इसको x मान लीजिए, इस पॉइंट पे x मान लीजिए, से ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है,
राजनीति तो बनने के लिए तो आसान है। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो। आई वन कितना है? आई वन है 20 माइनस एक्स बाई 20 माइनस एक्स बाई टू प्लस आई टू जीरो माइनस एक्स7.58 इसका कितना आएगा? जीरो माइनस एक्स जीरो माइनस फाइव बाई वन इसको माइनस फाइव करंट एक्चुअली एक कैसा फ्लो कर रहा है करंट एक्सेप्ट करके उल्टा माइनस मतलब ऐसे हमने लिया तो हमारे लिए माइनस आ रहा है तो माइनस आ रहा तो एक्चुअली करंट का डायरेक्शन किस तरह हमने जो डायरेक्शन ले चुकी है उसका अपोजिट है तो करंट एक्सेप्ट होता है ये फाइव हो गया ठीक है। इसी में जीरो माइनस सिक्स फिर से करंट कैसे फ्लो कर रहा है अपोजिट ऐसा है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पर करंट इस मान के जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट जीरो हो जाए जरूरी नहीं तो इसलिए एक एग्जांपल देखिए इसको हम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर सर्किट को इसको ये बहुत आसान है आसान तरीके से कोई झंझट नहीं है कि आप सर्किट एनालिसिस में वो जो केवीएल की इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व करें कभी तो हम फेनस जू भी लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए सारा जरूरी नहीं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम कर सकते हैं बट आई होप यू कैन ट्राई इट आउट और भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बट मेरा इंटेंशन ये था कि हम आपको दिखाएं कि नॉट ओनली यूजिंग दोस इक्वेशंस यू कैन सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बट आल्सो यूजिंग दिस नॉडल एनालिसिस आल्सो यू कैन सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ the currents and the potential difference in a given circuit or a network. So I hope I have tried to clarify your doubts. Assalamualaikum.